भागलपुर में मंगलवार को बांध के 200 फीट का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। इसके कारण 6 गांव में बाढ़ का पानी भी घुस गया है। इससे करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यहां 100 से अधिक स्थानीय लोगों के घर बह गए हैं। 15 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम हुआ था। दरअसल भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बेंटोली में करोड़ों रुपए की लागत से बना बांध आज ध्वस्त हो गया है। बांध के कटाव होने से क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें किसान से लेकर के दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। किसानों की फसल की क्षति के साथ साथ जानवरों से लेकर के मनुष्य के जनजीवन भी प्रभावित हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ये बांध करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिससे लोगों का जनजीवन बदतर हो गया है। सभी लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर से उधर सुरक्षित स्थानों पर अपने सामान को लेकर के जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस्माइलपुर बिंटोली के बांध पर अपना आसियाना बनाकर सैकड़ों लोग रहकर गुजर बसर कर रहे थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है कि 7 और 8 के बीच लगभग 100 फीट बांध कटकर गंगा में समा गया है। इस कटाव से दर्जनों गांव, वहां तक कि नवगछिया अनुमंडल भी प्रभावित होगा। घटनास्थल पर स्थिति को देखने के लिए भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, SP पूरन झा सहित CO, BDO जल संसाधन विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। बांध के टूटने पर जल संसाधन विभाग के मंत्री ने भी ये मान लिया है कि भागलपुर के इस्माइलपुर में तटबंध 7 और 8 स्पर्श टूट गया है। इस कारण से रिहायशी इलाकों में पानी का बहाव भी शुरू हो गया है। हालात पर नजर रखी जा रही है। कल तक पानी पहुंचने की संभावना है। स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है और इंजीनियर का एक दल विशेष तौर पर वहां भेजा गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, आप भी सुनिए। सुबह में जो भागलपुर जिले में गोपालपुर प्रखंड में जो इस्माइलपुर बिंद टोली हमारा तटबंध था, जो लगभग 8.25 किलोमीटर का तटबंध है, उसमें कई 14 स्पर्श हैं जो तटबंध को सुरक्षित बनाने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें स्पर्श संख्या 7 और 8 के बीच में वो तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण नदी का पानी जो कंट्री साइड यानी आबादी वाला इलाका जो दूसरे तरफ का इलाका होता है उधर कुछ फैल रहा है। हालांकि पानी के दोनों तरफ के जल स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रवाह तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिहायशी इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है और उसकी मतलब आगे भी अभी कुछ देर तक या एक आध दिन बढ़ने की या फैलने की संभावना है। हम लोगों ने विभाग की तरफ से जो ब्रीच का स्थल है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है बांध, उसका दोनों किनारा जो है दोनों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया है। वहाँ पे मटेरियल पहुँच गया है। हमारे अधिकारी जो स्थानीय स्तर के वरीय अधिकारी मुख्य अभियंता होते हैं वो मौजूद हैं और भागलपुर जिला प्रशासन के लोग भी मुस्तैद हैं। वहाँ पे कलेक्टर और SP दोनों मुस्तैद हैं